नाश्ता तो ठीक से किया नहीं आपने, कम से कम जूस ही पी लीजिए। शुक्रिया गायत्री, दैट्स रियली वेरी नाइस। ऐसे बात अपसेट हो गई दीदी आज ये सांची के बिहेवियर से। कैसे बिहेव कर रही थी आज? मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुझसे तो इस तरह से बदतमीजी से पहले भी बात कर चुकी है, उल्टा जवाब देती है, लेकिन आज आपके सामने इस तरह से बोलना, जो है वही खा लो, नौकरानी नहीं हूँ, ये सब ये पर तरीका है बात करने का बड़ों के सामने? सीरियसली मुझे सच में लगने लग गया दीदी कि ये लड़की कहीं गाय के भेस में ना लूड़ी ना निकल जाए। साची आज बहुत परेशान है, उसका भाई हॉस्पिटल में, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में गुस्से में निकल रहे हो कहीं से। उसे एक मौका, समय दो, उसे देखो सब कुछ ठीक हो जाए। फिलहाल जो कहानी में हो रहा है कि साची को मैंने, मतलब सावित्री ने अपना लिया है, और इतने दिनों तक ऐसे था कि मैं उसे अपनी बहू मान नहीं रही थी, अब तो बेटी भी मान लिया है। और इत्तफाकन ऐसे होता है कि साची बहुत अलग तरीके से पेश आती है घर वालों से। हमेशा एक गऊ कहलाने वाली मेरी जो बहू है वो अचानक मतलब दुर्गा का रूप धारण करती है और उल्टा जवाब दे देती है बड़ों के सामने। तो सब लोग शक और शुबा में है कि ऐसा उसने क्यों किया, इस तरह क्यों वो पेश आई। लेकिन एक सावित्री है जो उसे समझती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसका भाई इस वक्त बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है, है डॉक्टर, है सुलझी हुई, है बहुत अच्छी लड़की, लेकिन है तो इंसान ना, कभी कभी मतलब ये गुस्सा ये फ्रस्ट्रेशन निकल के तो आ सकता है। तो यही बात मैं गायत्री को समझा रही हूँ। मैम, कैसे अभी गायत्री जी सावित्री जी को इन्फ्लुएंस कर रही है सांची के बारे में, और किस हद तक वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी ऐसा उसको लगता है? देखो, कोशिश तो गायत्री की हमेशा रहती है कि वो जितना भड़का सके सावित्री को सांची के खिलाफ उतना वो भड़काती है। मैक्सिमम टाइम फेल हो जाती है, लेकिन लड़की हिम्मत नहीं हारती, मतलब गायत्री हिम्मत नहीं हारती, वो हमेशा लगी रहती है। और गायत्री का तो पूरा दिमाग इस समय लगा हुआ कि वो क्या कर दे कि वो सावित्री के खिलाफ, सांची के खिलाफ सावित्री को कर दे। आज रात को सोचेगी नेक्स्ट क्या करे।